हेलो दोस्तों आप कैसे हो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर दोस्त हम हमेशा से ही जीके से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर बीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था इसके अलावा दोस्तों हम संबंधित प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे जो कुछ इस तरह से है डॉक्टर बीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था भारत के झंडे में अम्बेडकर जी का किस कार्य में योगदान था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था आदि सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा दें दोस्ती अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर बीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था ऑप्शन ए दो अक्टूबर अठारह ऑप्शन बी 14 अप्रैल अठारह में ऑप्शन सी 14 अक्टूबर अठारह ऑप्शन डी 2 अप्रैल अठारह में हमारा क्वेश्चन है एक बार आप फिर से सुने डॉक्टर बीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था ऑप्शन ए दो अक्टूबर अठारह में ऑप्शन बी चौदह अप्रैल अठारह में ऑप्शन सी चौदह अक्टूबर अठारह में ऑप्शन डी दो अप्रैल अठारह में अगर आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तर कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि उत्तर के बारे में जानने से पहले आपको बीबूराम अम्बेडकर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है जो कुछ इस तरह से हैं, भीमराव अम्बेडकर आज नाम ही नहीं बल्कि लोगों के भगवान बनते जा रहे हैं और इनके बारे में सभी जानते मगर क्या आप ये जानते हैं कि भीम राम अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में स्थित महुनगर की सैन्य छावनी में हुआ था आपको बता दें कि इनका जन्म 14 अप्रैल अठारह में हुआ था आपको बता दें कि अम्बेडकर जी दलित जाति के थे और इन्हें अचूत माना जाता था भारत में इन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है जब बाबा साहेब पैंसठ वर्ष के हुए थे तो उनका 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया था आपको बता दें कि आज हम भारत की झंडे पर अशोक चक्र को देखते हैं मगर क्या आपको यह पता है कि अशोक चक्र को लगाने वाली हमारी अम्बेडकर ही थी आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी सकलपा था वहीं पर माता का नाम भीमाबाई था डॉक्टर बाबा साहेब का विवाह 1906 में रमाबाई नाम की महिला से हुआ था उन्नीस के समय बाबा साहेब वकील बन गए थे पूना समझौता का नाम तो आपने सुना होगा इसे बाबा साहेब ने 1932 में किया था तो इस तरह से दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी कुछ जानकारी होती है और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की ओर जो कुछ इस तरह से हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था ऑप्शन ए 2 अक्टूबर अठारह में ऑप्शन बी 14 अप्रैल अठारह में ऑप्शन सी चौदह अक्टूबर अठारह में ऑप्शन डी दो अप्रैल अठारह में दोस्तों इसके उत्तर के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तर कमेंट में लिख कर हमें बता सकते हैं अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को फिर से डॉक्टर भीमराव सुनेंबेडकर का जन्म कब हुआ था ऑप्शन ए 2 अक्टूबर में ऑप्शन बी 14 अप्रैल अठारह में ऑप्शन सी 14 अक्टूबर अठारह में ऑप्शन डी दो अप्रैल अठारह में अगर आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तर कमेंट में कर सकते हैं अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देती है कि इसका सही उत्तर 14 अप्रैल अठारह में होगा यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था इसका सही उत्तर होता है 14 अप्रैल अठारह में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का निधन कब हुआ था तो दोस्तों इसके सही उत्तर के बारे में भी आपको वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताया अगर आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तर हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देती हैं कि इसका सही उत्तर 6 दिसंबर 1956 होता है क्वेश्चन को एक बार फिर से सुने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था दोस्तों इसका सही उत्तर होता है 6 दिसंबर 1956 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था तो दोस्तों इसके सही उत्तर के बारे में भी आपको इस वीडियो में बता दिया गया है अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित नगर में हुआ था क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनी डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका सही उत्तर होता है मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के झंडे में डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर जी का किस काम में योगदान था तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है अशोक चक्र हमारा क्वेश्चन है भारत के झंडे में में डॉक्टर भीमराव जी का किस काम योगदान था तो इसका सही उत्तर होता है अशोक चक्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था जिसके उत्तर के बारे में इस वीडियो में आपको पहले से बता दिया गया अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर 1906 है क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनी डॉक्टर भीम राम अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था इसका सही उत्तर होता है उन्नीस में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीम राम अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था जिसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है अगर आप वीडियो पूरी तरह से और अच्छी तरह से देख चुके हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या है अगर आप इसके उत्तर के बारे में जानते हैं तो उत्तर कमेंट में लिख कर हमें बताएं। अगर आप उत्तर के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को फिर से देखें और फिर से समझें कि भीमराव अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या है और फिर हमें कमेंट के अंदर उत्तर बताएं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको ये अच्छी तरह से बता दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ था इसके अलावा दोस्तों हमने संबंधित प्रश्नों के बारे में भी बात की जो कुछ इस तरह से हैं डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का निधन कब हुआ था भारत के झंडे में अम्बेडकर जी का किस कार्य में योगदान था डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर का विवाह कब हुआ था डॉक्टर भीमराव राम अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था आदि सभी प्रश्नों के बारे में हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है अगर आपने वीडियो पूरी तरह से देखा है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो ऐसे में वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा दें